हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। ये यम्मी सा नाश्ता देख रहे हैं? चलिए आगे रेसिपी दिखेगी, पूरा वीडियो वॉच करिए। और सफाई अभियान चल रहा है जैसा कि सभी को पता है, तो सोचा थोड़ा सा किचन की सेटिंग को भी चेंज कर दें। मतलब किस कबर्ड का सामान किसी और कबर्ड में रखा जाए और किसी और कबर्ड का सामान किसी और कबर्ड में रख दिया जाए, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा थोड़ा घर में, क्योंकि जब जेंट्स लोग किचन में जाएंगे ना, उन्हें तो प्रॉपर वही आदत होती है कि अरे तुमने क्यों चेंज कर दी, सही तो था, सही तो था। ये हल्ला मचेगा घर में, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी तो चेंज कर लेना चाहिए। मैंने सोचा चलो इस बार दिवाली में बहुत पहले के जैसे मेरे किचन थी, तो मैं उसी तरह से उसको सेटिंग कर लेती हूँ। बहुत पहले के मेरे वीडियो भी शायद देखे होंगे किसी ने, तो मेरी किचन की सेटिंग वैसी ही थी स्टार्टिंग में, तो बीच में फिर चेंज हो गई थी और फिर अब मैंने चेंज कर ली है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो ऐसे ही मन बस रमा रहता है गृहस्थी में, पुरानी चीज़ें निकाल निकाल के दोबारा से धो धो के रख ली हैं और वो उन चीज़ों को दोबारा से सेटिंग कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें दोबारा काम में आ पाएँ। यदि कहीं की आप सेटिंग चेंज करते हैं तो एक बार तो बहुत दिमाग लगाना पड़ जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पे रखें, तो और जो चीज़ लेने में थोड़ा इजी भी लगे। मुझे अपने वीडियोस के लिए अब क्रॉकरी उधर से निकालने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, और दूसरा कोई आ जाता है तो मुझे ऊपर से क्रॉकरी निकालने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती थी। तो मैंने कहा इस बार थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार जब गेस्ट आते हैं तो मुझे कुर्सी पर खड़े होकर क्रॉकरी उतारनी पड़ती है, या फिर कुछ गेस्ट ऐसे आते हैं जो कहते हैं अरे परेशान ना होइए, जो नीचे है उसी में दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अपना मन करता है कि अच्छे बर्तनों में ही हम खाएं भी और खिलाएं भी। तो इस बार मैंने कहा पूरी सेटिंग ही हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे घर की। सुबह मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट बन जाता है, लंच बन जाता है, तब ये काम निपट पाता है। क्योंकि फिर अगर बीच ही में लंच बनना हो या ब्रेकफास्ट के बीच में आप ये काम लेके बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। सुबह हस्बैंड चले जाते हैं और बस उनको भेजने के बाद मैं अपने काम में जुटती हूँ, जो भी काम मुझे करना होता है। उनके रहते तो सुबह सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब देखिए काम करते करते सफाई का बीच में छोड़ के पहले लंच सर्व करना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा और देवर घर पर ही हैं, तो वो दोनों का लंच मैं सर्व कर दे रही हूँ। काम के बीच में कोई डिस्टर्बेंस आता है तो थोड़ी तो उलझन होती है माइंड में, लगता है अरे यार काम कर लेने दो, मतलब ये सब काम बीच में मत बोलो, लेकिन करना तो पड़ता है। सिंपल सा लंच बनाया था, मसूर की दाल बना ली थी और कद्दू की सब्जी बनाई थी, चावल और फलके। तो फलके में तो वही ज्वार चने की ही फलका खाता है बेटा मेरा, मतलब हम लोग रोटी को फलका बोलते हैं बिना घी का, और भैया दोपहर में केवल चावल पसंद करते हैं वो, क्योंकि उनको गरम फलके ही चाहिए होते हैं। गरम फलके तो पॉसिबल नहीं है कि सफाई करते करते मैं बीच में तवा चढ़ा के सेकूं, तो बस यही एक हम दोनों के बीच में, देवर भाभी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई दोपहर में तो राइस से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि गर्म चपाती तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ऐसा कोई कसम भी नहीं है, कभी कभी बना भी देती हूँ, लेकिन मोस्टली होता क्या है, यही होता है कि चलो चावल दाल चावल खा लिए जाएँ दोपहर में। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं रेसिपी। तो ये मैंने अंकुरित मूंग मोठ ले ली है, और अंकुरित मूंग मोठ नाश्ते में दे दी थी, इतनी बची थी तो वो मैंने रख लिया था कि चलो इससे कुछ डिश बना लेंगे। इसमें लहसुन और हरी मिर्च अदरक डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, और पानी ना ही यूज़ करें तो ठीक है, बिना पानी के भी ये अच्छे से पिस जाएगी, इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छा सा इसको मतलब दरबरा सा पीस लेंगे, एकदम महीन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरबरा सा इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए अपनी पीस के हो गई है तैयार, अब इसको निकाल लेंगे एक बाउल में।
और ये आप रात में भी पीस के रख सकते हैं, ये सुबह तक ख़राब नहीं होती है। आप दो दिन तक इसको पीस के यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने अंकुरित मोमोट आज पीस लिए हैं तो आप दो दिन तक इसको फ्रिज में रख लीजिए, ये ख़राब नहीं होता है। और यदि अंकुरित नहीं है आपके, आप केवल ऐसे भी ले सकते हैं, केवल मूंग के भी बना सकते हैं बिना अंकुरित भी। तो चलिए बस ये देखिए, ये मैंने फ्रिज में रख लिया था और फिर निकाल के इसको लेंगे और साथ में ही हम ले लेंगे अपना, साथ में डाल लेंगे पनीर। पनीर को थोड़ा हाथ से क्रश कर लीजिएगा और इसी के साथ डालेंगे हम यहाँ पे प्याज और अदरक। आप अगर हरी मिर्च दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, यम्मी सा फ्लेवर आ जाएगा उससे। और साथ में डाल दी हमने अदरक, और साथ में ही आप इसमें सब्जियां ऐड करिए। मैंने डाली है कैबेज, आप जो भी सब्जी खाना चाहें, जो भी सब्जियां घर में होना, कैबेज है, गाजर है, कौन से है, आप सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ अभी कैबेज थी तो मैंने कैबेज डाली, साथ में डाल दिया थोड़ा सा ओरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में डाला है नमक। तो ये सब चीज़ों को अब आपस में मिला लेंगे बहुत अच्छे से। बस उसके बाद मैंने लिए हैं दो पीस ब्राउन ब्रेड के, क्योंकि हेल्थ के लिए बना रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बना रहे हैं, तो ब्राउन ब्रेड मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। उसमें टमाटो केचप लगा रही हूँ मैं। आप इसमें यदि हरी चटनी है तो आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं, आप कोई सी डिप भी लगा सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, आप जो भी इसमें ट्विस्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। और ये देखिए, ये जो पूरा हमने मिक्स कर लिया था अपना, ये अच्छे से इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर पेस्ट कर देंगे। और यकीन मानिए ये बहुत यमी लगता है, बिना ऑयल के भी आप बनाइए, बिना घी के ये बहुत टेस्टी लगता है। बस देखिए, इसको चारों कोनों में भी अच्छे से लगा लेंगे और फिर बस तवा लेंगे। यदि आप नॉनस्टिक पे बनाइए या नॉर्मल तवे पे भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा तवे पे बस एक बार केवल, देखिए मैंने ब्रश से केवल ज़रा सा घी लगा दिया है, आप घी या बटर जो भी, यदि आपको घी और बटर से परहेज़ नहीं है तो आप अच्छे से लगा सकते हैं, तो इसका टेस्ट और दुगना बढ़ ही जाएगा, क्योंकि घी और बटर से तो टेस्ट बढ़ ही जाता है, नो डाउट, क्योंकि वो क्रिस्पीपन जो घी से आता है वो बिना घी के उतना क्रिस्पीपन तो नहीं आ पाता है। तो चलिए बस, लेकिन क्योंकि हम हेल्थ के लिए बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे घी और बटर यूज़ नहीं करना है। इनको एक तरफ से सेक लेंगे नीचे से आराम से, बिना चिपके आपकी ये ब्रेड अलग हो जाएगी, बिल्कुल भी तवे पे चिपकेगी नहीं, और इजी वे में आप इसको निकाल लेंगे। तो बस एक तरफ से सिक जाएगी तो इसको उलट के दूसरी तरफ से भी ब्रेड को सेक लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा करारी ब्रेड मुझे नहीं पसंद है इस डिश में, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखा था मैंने ब्रेड को पीछे से भी। और यदि आप इसको ज़्यादा करारा करके खाना चाहते हो तो आप करारा करके भी खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा बिल्कुल बन के रेडी है, हाई प्रोटीन युक्त, हाई और कैलोरी है नहीं इसमें कुछ भी, आराम से खाइए बिंदास, आप दो चार पीस तो आराम से खा ही सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी बना था। बस गैस को थोड़ा सा आप जो है मीडियम टू स्लो रखिएगा, क्योंकि दाल है ना वो थोड़ा सा पक जाएगी, मतलब ऐसे तो अंकुरित दाल हम लोग कच्ची भी खा लेते हैं लेकिन थोड़ा सा वो सिक जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए जैसे ऊपर से मेरी थोड़ी थोड़ी लाल हो गई है ना, फिर वो खाने में टेस्ट बढ़ जाता है चीज़ का, बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए बन के तो अपना तैयार हो गया है, कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और मैं तो कहूँगी कभी भी किसी को भी घर में नाश्ता वाश्ता सर्व करिए तो कभी कभी सजा के करिए, थोड़ा सा अलग बर्तन यूज़ करिए, बच्चों को दीजिए, तो जो नहीं भी खाना चाहता होगा ना उसका भी मन चल जाएगा, क्योंकि बर्तनों की बहुत महिमा होती है खाने में। खाना यदि सर्व कर रहे हैं और बर्तन अच्छे हैं, आपके यूटेंसिल्स अच्छे हैं, तो फिर खाने वाले का मन ज़्यादा कर जाता है। हम लोग होटल जाते हैं तो क्या होता है, कितने खुश होते हैं ना कि भाई इतनी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ों के साथ साथ उनके जो डिश होती है, मतलब बर्तन जो होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो इतनी अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, ये किचन हो जाती है मैसी वीडियो बनाते समय, ये बर्तन जो कि मैंने वॉश करके रखे हैं मैंने,
क्योंकि वीडियो जब बनाते हैं तो एक ही जगह कई सारे बर्तन मैसी हो जाते हैं, वो तो होना ही है क्योंकि वीडियो बनते समय तो सब दिखाना पड़ता है। तो चलिए फटाफट इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ और आप भी बनाइएगा ज़रूर, मैं रिकमेंड करती हूँ। और मूंग मोट अगर बच जाता है तो भी बनाइए, नहीं बचता है आपके घर में तो भी स्पेशल भिगो के बनाइए क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और अपनी सासू माँ को दीजिए खाने के लिए, अपने हस्बैंड को दीजिए और अपने बच्चों को दीजिए, देखिए कैसे प्रसन्न हो जाएंगे सब, बिल्कुल एकदम यमी सा। और सजा के थोड़ा सा सर्व करिए भाई, तो मज़ा आएगा खाने वाले को भी। तो चलिए कैसी लगी रेसिपी ज़रूर से बताइएगा। इसी के साथ करते हैं बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू। कल फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।